महारानी क्लियोपेट्रा सप्तम मिस्र की प्रभावशाली महिलाओं में से एक थी। उसने 51 ईसा पूर्व से लेकर 30 ईसा पूर्व तक मिस्र पर शासन किया था। क्लियोपेट्रा मिस्र ही नहीं, दुनिया की भी सबसे खूबसूरत रानी थी, जो शासकों को आसानी से अपने रूप जाल में फंसा लेती थी। उसने कई राजाओं सहित सेनापति तक से शारीरिक संबंध स्थापित किए। वह मिस्र के टोलेमी शासकों की परंपरा में आती थी। उसका जन्म 69 ईसा पूर्व में मिस्र के अलेक्जेंड्रिया में हुआ था। उसके पिता टोलेमी 12 तथा माता क्लियोपेट्रा पंचम थी। वह प्राचीन मिस्र पर शासन करने वाली अंतिम महिला फैराह थी। क्लियोपेट्रा इतिहास की सबसे खूबसूरत रानी तो थी ही, लेकिन उसे इतिहास की सबसे खूबसूरत रानी होने के साथ साथ सबसे रहस्यमय रानी भी कहा जाता है। वह जितनी सुंदर थी उसे कहीं ज्यादा वे चतुर, षड्यंत्रकारी और क्रूर भी थी। जब क्लियोपेट्रा 17 वर्ष की थी तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई और उनके छोटे भाई टोलेमी डियोनिसस को संयुक्त रूप से राज्य प्राप्त हुआ। पुरुषवादी सोच के चलते अपनी बहन की अधीनता को टोलेमी ने स्वीकार नहीं किया, क्लियोपेट्रा के खिलाफ विद्रोह कर दिया और लोगों को भी उसकी अधीनता स्वीकार नहीं थी। इस कारण वह अपने राज्य से भागकर सीरिया पहुंच गई और यहां से शुरू हुआ क्लियोपेट्रा का खूनी खेल। मिस्र की राजगद्दी को दोबारा हासिल करने के लिए क्लियोपेट्रा ने रोम के शासक जूलियस सीजर को अपने रूप जाल में फंसाने की चाल चली, जिसमें वो कामयाब रही। सीजर ने मिस्र पर हमला बोला और टोलेमी को मारकर क्लियोपेट्रा को मिस्र के राज सिंहासन पर बैठा दिया। राजपाट में फिर से अनबन की शुरुआत हुई तो क्लियोपेट्रा ने अपने छोटे भाई को भी जहर देकर मार दिया और अपनी बहन की भी हत्या करवा दी। इसके बाद वह रोम में जाकर सीजर के साथ रहने लगी। वहां उसने साजिशन सीजर की हत्या करवा दी और खुद रोम साम्राज्य की रानी बन गई। सीजर की मौत के बाद क्लियोपेट्रा को सीजर के एक सेना नायक एंटनी से प्यार हो गया, पर रोम के लोगों को किसी भी हालत में मिस्र की ही एक औरत को एंटनी की पत्नी बनते हुए देखना रास नहीं आया। फिर से साजिश रची गई। एक बार युद्ध के दौरान एंटनी को यह बताया गया कि क्लियोपेट्रा अब नहीं रही, जबकि यह सच नहीं था। इस बात को सुनते ही एंटनी सदमे में आ गया और अपनी ही तलवार पर गिरकर मारा गया। सीजर के बाद ऑक्टेवियन ने रोम की गद्दी संभाली। क्लियोपेट्रा ने ऑक्टेवियन से लंबे समय तक संघर्ष किया था। इसके बाद क्लियोपेट्रा ऑक्टेवियन को भी अपने रूप जाल में फांस कर खुद की जान बचाकर फिर से मिस्र की सत्ता प्राप्त करने की योजना पर कार्य कर रही थी, किंतु ऑक्टेवियन चतुर था। उसे फंसाना क्लियोपेट्रा के लिए संभव नहीं हुआ। ऐसा कहा जाता है कि ऑक्टेवियन ने किसी डंक वाले जानवर से क्लियोपेट्रा की हत्या करवा दी। क्लियोपेट्रा की मरते ही मिस्र पर रोमनों का अधिकार हो गया। दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी, अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। अगली कहानी आप किस विषय पर सुनना चाहते हैं कमेंट कर सकते हैं। कथा कहानी किस्से में आज के लिए इतना ही।